तो ये रहस्य, ये राज जान लेने के बाद जिंदगी में फिर कोई टेंशन नहीं रहता। जिंदगी बता क्या है, एक रहस्य और कुछ भी नहीं। इस रहस्य को अगर हमने समझ लिया तो क्या होगा, सारी प्रॉब्लम खत्म। जिंदगी समझने वाली बात है, हमारी समझ नहीं आती। तो आज हम इस जिंदगी के राज को समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरह से। वीडियो छोटा ही रहेगा, आप इसे पूरा देख लेना, बीच में स्किप मत करना। देखो, हमारी जितनी भी मुसीबत है, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी स्ट्रेस है, वो सब कहाँ रहते हैं, माइंड में रहते हैं। यानी हम फिजिकली मुसीबतों में तो आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 90% मुसीबतें रहती हैं, वो कहाँ रहती हैं, माइंड में रहती हैं। मेंटल हम स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं, इसीलिए हम एंग्जाइटी की दवा खाते हैं, टेंशन डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, स्ट्रेस की दवा खाते हैं। आप साइकेट्रिस्ट के पास देखो, एंग्जाइटी डिप्रेशन टेंशन के मरीजों की इतनी लंबी लाइन है, इतने शायद बीपी और शुगर के पेशेंट नहीं होंगे। ऐसा पहले नहीं था, ऐसे अब इसलिए हो गया कि हम बड़े कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीते हैं। हम भविष्य की तरह तरह की बुरी कल्पनाओं में जीते हैं। हम बहुत ही शॉर्टकट अपनाकर सबसे ज़्यादा आगे निकल जाना चाहते हैं। इस तरह के न जाने कितने विचार हमारे दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। तो आप इतना अंदाज़ा लगा लो, इतना समझ लो कि ये जो सारी मुसीबतें, सारे फसाद, इन सब की जड़ क्या है, विचार। विचार दुख क्या है, एक विचार। सुख क्या है, एक विचार। सब कुछ क्या है, विचार ही तो है। इन विचारों से हम बड़ा परेशान। अब एग्जैक्टली हम क्या है, हम विचार के पीछे का हिस्सा है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर देखते हो ना, टीचर ने लिखा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आपको पूछा ये क्या लिखा हो, तो आप बोलोगे मैं बाजार जा रहा हूँ। आपको बोले कि 10 बार इसको बोलो और इसको लर्न करना और बाई हार्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे, मैं बाजार जा रहा हूँ। फिर आपको बोले मैं आंख बंद करके बोलो मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आपको माइंड में एक इमरजेंसी उठने लगी कि मैं बाजार जा रहा हूँ। सभी विचार वैसे एक मुर्दा होते हैं, उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, यानी हमारे ब्लैंक मस्तिष्क पर उन्हें लिख दिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उन विचारों को जिंदा कर लेते हैं। जब हम बचपन में होते हैं ना, तो क्या होता है, ब्लैंक बोर्ड की तरह होते हैं, एक कोरा कैनवास लेकर हम बचपन में पैदा होते हैं। फिर उस पर विचार लिख दिया जाता है। क्या विचार लिख दिया जाता है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, हेलो बेटा, इस नाम से पुकारते हैं तुम्हें, उस नाम से तुम्हारे पेरेंट्स बुलाते हैं, और हम उस नाम से सम्मोहित हो जाते हैं। ऐसी बुरी तरह से सम्मोहित कि अगर वो नाम लेके कोई गाली दे दे तो हम गला काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस नाम को लेकर कोई भीड़ में चिल्लाए तो हम पीछे मुड़कर देख लेते हैं, यार हमारा कोई भी नाम रख दिया होता, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन नहीं, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया, खाली कैनवास पर पहले लिख दिया गया, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा मजहब ये है, तुम्हारी जात ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुम ये हो, तुम वो हो। ऐसी बहुत सारे विचार लिखते चले गए। हम क्या थे, ब्लैक बोर्ड, ब्लैंक कैनवास थे। छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता रहता कि वो कौन है, इवन उसे ये भी नहीं पता रहता कि वो लड़का है या लड़की, पता ही नहीं है उसे। वो तो पेरेंट्स से बताया, अरे तुम लड़के हो, अरे तुम लड़की हो, जैसे एनिमल्स से उन्हें थोड़ी पता रहता कि वो मेल है या फीमेल है। वो तो नॉर्मली अपनी लाइफ जीते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, भूख उन्हें भी लगती है, प्यास उन्हें भी लगती है, सभी दैनिक क्रियाएं मेल और फीमेल दोनों करते हैं, सभी की मानसिक भावनाएं होती हैं, तो उन्हें नहीं पता रहता, मेल और फीमेल का कोई पता नहीं है। हमें पता है क्योंकि हमें बचपन से बताया गया। हमारे ब्लैंक कैनवास पर बहुत सारे अननेसेसरीली विचार लिख दिए गए जिनसे हम बुरी तरह से हिप्नोटाइज हो गए। तो हमें क्या समझ लेना, हम लोग वो ब्लैंकनेस हैं, वो जो ब्लैंकनेस है, वो जो खालीपन है, वो जो खाली कैनवास है, हम वो है। और वो जो खाली कैनवास है, उसमें टेंशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मुश्किल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मुसीबत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो तो क्या है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है। जहां विचार नहीं होते, जब हम निर्विचार होते तो क्या होता, हम शुद्ध चेतना होते, प्योर कॉन्शियसनेस होते, शुद्ध चेतना। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्यों के भीतर जो निर्विचार चेतना है वो मैं हूं। मैं का मतलब कृष्ण भगवान नहीं, मैं का मतलब आप ही, मैं का मतलब ही ईश्वर। अहम ब्रह्मास्मि ये जो उद्घोष किया गया, वो इसीलिए कहा गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, यानी मैं वो ब्लैंकनेस हूं, वो जो शून्य है हमारे भीतर, वही महारहस्य है। तो बोलोगे यार इस शून्य का पता कैसे लगाए, तो पता लगाना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी है। समझना सिर्फ ये है कि हम ये विचार नहीं। तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, जब भी बैठे हैं लेटे हैं,
हजारों लाखों करोड़ों विचार आ रहे हैं, आपको हर विचार से डिटैच होते जाना है। बस एक विचार आ रहा है, अरे यार बहुत मुश्किल है, तो तुरंत बोलना है ये विचार मैं नहीं हूँ। एक विचार आ रहा है आगे न जाने क्या होगा, अरे मैं ये थोड़ी विचार हूँ। हजारों लाखों तरह के विचार आ रहे हैं, आपको बोलते जाना है मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ। जैसे ही आप डिटैच होना शुरू करोगे, पीछे का जो खाली कैनवास है, वो जो पीछे का शून्य है, वो आपको पकड़ने लगेगा। उस शून्य का सम्मोहन बड़ा तेज है, आप यकीन मानो। वो जो शून्य है, वो जो ब्लैंकनेस है, उसका सम्मोहन बहुत तेज है। वही तो ध्यान की परम अवस्था है, वही तो रियल मेडिटेशन है, वही तो असली भगवत्ता है। तो उसका सम्मोहन बहुत तीव्र है। तो वो शून्य क्या है, आपको पकड़ने लगता है। कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए आप ब्लैंक हो जाते हो, फिर कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक होने लगते हो, फिर कुछ मिनट के लिए ब्लैंक होने लगते हो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैंक होने लगते हो, फिर स्टेबल होने लगते हो, और फिर बड़ा मजा आने लगता है। तो जीवन के इस महान रहस्य को समझ लो आप, यही असली धर्म है। असली धर्म यह है कि स्वयं ही स्वयं में स्थापित हो जाना, टू बी योर सेल्फ, टू बी इन योर सेल्फ। अपने आत्मस्वरूप को जान लेना, अपने आत्मस्वरूप में स्थापित हो जाना, और ये कोई नामुमकिन बात नहीं, ये समझने वाली बात है और अभ्यास करने वाली बात है, समझकर अभ्यास करने वाली बात है। हालांकि अभ्यास की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें वो स्टेबिलिटी आई नहीं ना अभी, तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे शुरू में हमें साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती, बैलेंस बनाना पड़ता है। जब हम 10 साल, 20 साल, या 2 साल, या 6 महीने, या 15 दिन साइकिल चला रहे, तो फिर बैलेंस तो अपने आप ही बनता है ना। हम साइकिल चलाते जाते हैं, गाना गाते जाते हैं, दोस्तों से हाय हेलो करते चले जाते हैं, और मन में कुछ सोचते भी रहते हैं। बैलेंस नहीं बनाना पड़ता, लेकिन शुरू शुरू में बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। तो बस यही है कि शुरू शुरू में थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं ये विचार नहीं हूँ, और फिर बाद में प्रैक्टिस हो जाती है। और ये बहुत आसान है, इसके लिए कोई भगवे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, कोई माथे पर बड़ा टीका लगाने की जरूरत नहीं, कोई ड्रामेबाजी की जरूरत ही नहीं है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। इट इज सो सिंपल, ये बहुत ही सरल है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मुझे लगता है कि शायद मेरा वीडियो आपको गाइड कर पाता हो, कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ। अच्छे लगते हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।